Hey everyone, hi, hello, how are you? कैसे हो आप सब लोग? My name is Shruti and welcome back on my channel. तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी नायका हॉल की, जिसमें उस वीडियो को तो आपने पसंद किया ही, बट आपका ये डिमांड था कि मैं एलेन प्रो के मेकअप को रिव्यू करूं, उसको फुल डिटेल रिव्यू दूं आपको, क्योंकि एलेन प्रो के मेकअप का एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है जो आपको बहुत पसंद आया. और ये एक न्यू ब्रांड लॉन्च है इंडिया में एलेन प्रो, और ये एक्चुअली मेकअप है जो बेस करता है पोलैंड, इट्स अ यूरोपियन का लाइक मेकअप. बट मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी इसके बारे में जो क्वाइट इंटरेस्टेड है, और आपको ये मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे. बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें मैं फुल फेस मेकअप भी क्रिएट करूंगी इन्हीं मेकअप से. और आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो आपको मैं ये भी बता दूँ, मैं अपने फ्रेंड के घर पे आई हुई हूँ, और यहाँ पे ही मैंने सोचा मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. बेस मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया है और आगे का मैं कर रही हूँ. उसके पहले थैंक यू सो मच. वैसे तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं, बट जितने देखते हैं उनका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, और आपके सपोर्ट से मैं जल्द ही आगे बढ़ जाऊँगी, ये भी मुझे बहुत मतलब पता है. थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर लवली कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी न्यू थिंग्स, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. आप लोग ही हेल्प करोगे ना, तो इट्स लाइक कि बूस्टअप मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ बनाती जाऊँ और आपके सपोर्ट से आगे बढ़ती जाऊँ. तो आज एलेन प्रो के मेकअप को रिव्यू करते हैं. तो एलेन प्रो का ये सारा मेकअप मेरे पास है. आज मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि एलेन प्रो में ना कोई भी बेस मेकअप नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है. बाकी मैं फुल फेस मेकअप एलेन प्रो से करके दिखाऊंगी आपको. आई हैव ऑल द ब्रशेज एंड एलेन प्रो मेकअप. तो मैं फटाफट से ना अपना मेकअप शुरू करती हूँ और मेकअप कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास के दो पैलेट्स हैं, एक ये डस्टी पैलेट्स है और एक ये सैंडी पैलेट है. मैंने मतलब ये है तो वैसे यूरोपियन ब्रांड, यूरोप कंट्री का मेकअप ब्रांड है और वहाँ की पैलेट्स हैं, बट द थिंग इज दिस ना कि इनके क्वालिटीज और इनके टेक्सचर्स और इनकी फॉर्मुलेशन जस्ट लाइक किसी कोरियन मेकअप के जैसे है, एकदम ही कोरियन मेकअप जैसे होते हैं ना, वैसे हैं इसकी थिंग्स. इसकी सारी चीज़ें कोरियन मेकअप के जैसे हैं. मतलब आप देखो, शेड्स देखो, ये है सैंडी पैलेट. तो ये सैंडी पैलेट के शेड्स हैं, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं. ये डस्टी पैलेट के शेड्स हैं, तो आप देखो ये भी देखो कितने अच्छे हैं. तो अगर आप बोलोगे ना, मैं लिटरली दिखाती हूँ, ये मैट शीट की पिगमेंट दिखाने के लिए मैं आपको एक स्वाच करके दिखाती हूँ. आप पिगमेंट देखो, क्योंकि ये बहुत लाइट शेड्स हैं, इसलिए ऐसा ही आ रहा है, बट हाईली पिगमेंटेड. उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी कॉस्टली आती है क्रोम पैलेट्स, बट इसके सारे शिमर क्रोम शेड्स हैं और इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है ये. तो अगर आप ये पैलेट ले दो ना, तो सारे आपको क्रोम शेड्स मिल जाएंगे. इतनी बजट फ्रेंडली क्रोम पैलेट्स आपको मिलेंगे. लिटरली आप देखो, ये क्रोम पैलेट्स हैं, क्रोम शेड्स हैं ये. तो आपको इस बजट में एक क्रोम शेड का पैलेट मिल रहा है, क्रोम शिमर का. तो मैं इससे फटाफट से मैं आज ये वाले यूज करूंगी. कैंडी लिखा है इसमें, तो डस्टी लिखा है, और इसमें शायद कैंडी लिखा है. तो ये है डस्टी पैलेट, ये है कैंडी पैलेट. सॉरी, मेरे पास सैंडी पैलेट नहीं है, बट ये दोनों पैलेट से ही मैं अपना आई शेडो कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ. तो आप देखो कितना ये पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो. मैंने ये वाला शेड पिक किया है, कितना लाइट शेड है, और इसको आप देखो, ये कितना पॉप अप हो रहा है आईज पे. आप देख रहे हो, लिटरली ये पॉप अप होता है आईज पे. देखा आपने, मैंने इससे अपना क्रीज और इसका ये डार्क वाला शेड लेके
मैं आउटर क्रीज पे थोड़ा सा पिगमेंट डालूंगी, आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे साइज के लुक क्रिएट करने नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं ना लोअर लैश लाइन पे एक शेड लेके ये वाला डालने की कोशिश करूँगी। फॉलोआउट बिल्कुल भी नहीं है इनके शेड्स का और बहुत ही खूबसूरत आई शेडो है लिटरली। अगर आपको कोजन आई मेकअप कंप्लीट करना है ना, आप इस पैलेट से यूज़ कर सकते हो। मैंने इसका स्वाच आपको दिखा दिया, मैं इसका स्वाच भी आपको दिखा देना चाहती हूँ। इसमें भी ये वाला शेड आप देखो तो ये थोड़ा सा उस टाइप का ही शेड है, जैसे कि इसे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला स्वाच, ये वाला, ये आप देखो इसका स्वाच आप अच्छे से देख लो, देख लो इसके लाइटेस्ट कलर का स्वाच आप देख लो, इसके ब्राउन कलर का स्वाच देख लो। लिटरली दे आर अमेजिंग अमेजिंग पैलेट। इसका ना ये मैं लेकर बस कंप्लीट करूंगा। बड़ा नंबर तो लाइन देख के करा लो, तेरे पार्लर में करा दे। अब देखो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल मैं इससे ज़्यादा करूंगी नहीं, बट मैंने आपको स्वाच दिखा दिया जिससे आपको पता चले कि ये किस तरह के आई शेडोज हैं और आप इसको ले सको। लिटरली ले लो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही अच्छे आई शेडोज हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ, इसका ये क्रिस्टल साइन लास्ट लॉन्गिंग टिंट आई शेडो है, लिक्विड वाला आई शेडो। इसकी ये देखो खासियत, ये वो कोरियन शिमर देखा है, लिटरली ये वो है, ये कोरियन शिमर है। मैं इसको लेके यहाँ पे आप देखो देख रहे हैं, एक्चुअली गॉर्जियस गॉर्जियस चीज है ये। इसके बाद मैं आपको इसका ये दिखाना चाहती हूँ, ये कॉन्टोर आई लाइनर है कुछ जो भी, इसको मैं एज ए नाक काजल यूज करूँगी। एक ऑफ दी आई पे मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कोरियन की तरह, और इसकी स्वाच देख लो। हाईली पिगमेंटेड, बहुत बहुत अच्छे से। मुझे कैमरे में मेकअप करना नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर दूँ। अब ये क्या है प्रोडक्ट इसका, ये आईब्रो है, इसके साथ आप देख सकते हो ब्रश भी आता है। मैं अपना आईब्रो कंप्लीट करूँ, इसका मिसाज देख लो। फिलहाल तो ठीक है, ये वाला तो इतने प्रोडक्ट्स का। अब मैं आपको फाइनली क्या दिखाना चाह रही थी, इसका आईलाइनर देख लो और आईलाइनर की स्वाच देखो, ठीक है। मैं बहुत गंदी हूँ कैमरे के सामने मेकअप करने के लिए, लेकिन मैं आपको साथ साथ में दिखाती जा रही हूँ।
हाँ तो ये बेसिकली आईलाइनर था जिसका स्वाच अगर चाहोगे तो मैं एक बार ही फिर से दिखा देती हूँ। बहुत ही मस्त आईलाइनर है। मैंने बोला मैं मेकअप करके बहुत मुश्किल से दिखा पा रही हूँ, मुझे ये टेक्निक सीखना होगा कैमरे के सामने अच्छे से मेकअप करके दिखाना। बट मैं आपको स्वाच दिखाती जा रही हूँ जिसकी डिमांड थी आपको कि आपको ना एलेन प्रो के प्रोडक्ट्स के स्वाचेस देखने थे, तो आप इसका ये पैलेट देखो। ये फेस पैलेट है इसका, तो इसमें कॉन्टोर शेड है, ब्लश शेड है एंड हाइलाइटिंग शेड है। मैं इसका कॉन्टोर शेड यूज करके अपना कॉन्टोर कंप्लीट करूंगी। ब्रश है नोज कॉन्टोर के लिए, आप देख सकते हैं इससे तो लगता है ना नोज कॉन्टोर का ही ब्रश है ये। तो बहुत अच्छे से इससे कॉन्टोरिंग हो जा रही है। बाकी मैं शेड्स को आप स्वाच करके दिखाती हूँ। ये इसका थोड़ा सा ना वो कूल टोन में कॉन्टोर है, ये इसका थोड़ा कूल टोन के बाद क्या होता है ये देखो, ब्लश देखो और ये हाइलाइटर। मेरी आज फास्टिंग है मैम। अरे फास्टिंग है आज? क्या खाती हो? मीठा और फल। फल में क्या खाई बताओ? ब्लश कंप्लीट कर लिया, आप देखो कितना पिगमेंटेड है लिटरली। बस इसका हाइलाइट लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी इतना ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है। ये देखो पासपोर्ट तो चाहिए मम्मी, वीजा की वो ही नहीं है, वीजा तो ऑन अराइवल वैसे मिलता है, पासपोर्ट तो चाहिए। जैसे तैसे भी हो, मैंने मेकअप कंप्लीट करके आपको दिखा दिया, साथ साथ में स्वाचेस दिखा दिया जिसकी डिमांड आपको थी, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक फाइनल दिखा रही हूँ मैं। ये देखो मैं ये आप इस वीडियो के बाद मेरे मेकअप स्किल पे बहुत घूमी है। लिटरली बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं, कैमरे के सामने मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बट मैं स्वाच हर चीज़ की आपको दिखाती जा रही हूँ जिससे आप ये प्रोडक्ट्स देख सको। ये प्रोडक्ट्स लिटरली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है ये लिप लाइनर। इस लिप लाइनर की खासियत ये है कि आप इसको फुल लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक है ये इसकी, बुलेट लिपस्टिक। इस लिपस्टिक की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से ब्लर इफेक्ट देता है। आप देखो एक ब्लर लिपस्टिक है ये, आप देखो तो बहुत ही खूबसूरत लिपस्टिक है। शेड जो मैंने ले रखा है ये है गॉर्जियस 106 जो कि बहुत खूबसूरत शेड है। ओवरऑल मैंने मेकअप करके कैसे भी आपको दिखा दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। और प्रोडक्ट्स मैंने स्वाच करके आपको दिखा दिए, तो आई होप आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मेरे रिकमेंडेशन से आप ये तो ज़रूर लेना, क्रिस्टल साइन इसकी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मस्करा नहीं लगा के दिखाया, सॉरी। मैं फटाफट से मस्करा लगा के दिखाती हूँ, ये देखो मैं फटाफट से मस्करा लगा के दिखाती हूँ। ये देखो कभी कोरियन आई लैशेज देखे हैं किसी लड़की के, तो उसके ना ऐसे आपको मस्करा दिखेंगे, मतलब ऐसे आई लैशेज दिखेंगे अलग अलग से, डिफरेंट डिफरेंट से और बड़ी ना खूबसूरत से। ये वैसा वाला मस्करा है, ये लगाते ही इतने डिफाइन लैशेज देता है, इतनी खूबसूरत लैशेज देता है
तो ये मस्करा भी लेना, ये भी लेना। प्राइस यार 300-400 रुपए हैं, 200-250 भी ये हैं, 300-400 भी ये है। ये जितने लिप लाइनर्स, आईब्रो पेंसिल, काजल, सारे अच्छे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि नहीं लेना, ये ले लो। सारे दी बेस्ट प्रोडक्ट हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे अच्छा हाई एंड फिनिश देने वाला विथ दिस बजट मेकअप नहीं है अभी कोई भी अवेलेबल इंडिया में। ये बेस्ट मेकअप लॉन्च हुआ है। ये कहाँ का मेकअप है पता नहीं यार, ये ना ऐसे मुझे कहीं दिख रहा था, बट ये यूनाइटेड किंगडम लंदन का मेकअप दिख रहा है। तो जो भी हो, ये मेकअप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डू ट्राई देम, मेरे रिकमेंडेशन से ये बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डू ट्राई देम। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट वीडियोस और मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के वीडियोस लेती आऊँगी आप लोगों के लिए, और धीरे धीरे मेरा मेकअप स्किल भी अच्छा हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।